ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ दिन है. हर माँ बाप का, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि बच्चा बड़ा हो और फिर उसकी शादी हो. आज हम मेरा बेटा विवाह बंधन में बंधने जा रहा है. कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो. कैसे बताऊं, मेरे धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो. तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो. आँखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम हो मेरी दिन रात में, तुम हो मेरी हर बात में, तुम सोच में, तुम शाम में, तुम हो मेरे दिन रात में. जाऊँ कहीं, देखूँ कहीं, तुम हो वहाँ, तुम हो वहीं. कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो. बावरे ताका झांकी क्यों करे,
पति पावरे ताका झांकी क्यों करे अपने कुटिल भाव तू जान की से रख परे अपने कुटिल भाव तू जान की से रख परे ना दान कर्म कर तू कुछ लाज शर्म कर तू रावण तू कर यहां से रवानी गुस्से में काहे को होता लाल पीला में काहे को होता लाल पीला राम सिया की यह निराली है प्रेम लीला प्रेम लीला जैसे राधा श्याम से सीता मिली राम से जैसे राधा श्याम से सीता मिली राम से सबको अपना प्यार यूं मिल जाए आराम से सबको अपना प्यार यूं मिल जाए आराम से सुन छोटू और पप्पू राजू गोपाल गप्पू तुमको भी मिले सपनों की रानी मीना हो रज्जो हो या हो वो शीला मीना हो रज्जो हो या हो वो शीला आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलका है मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथी साथी हमको ढोना है शहनाई 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 रास रची लो साज सजी लो शुभ घड़ी छे आवी आचा आचा टम टमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी देखिए परिवार में लगभग 35-40 वर्षों के बाद इस प्रकार का आयोजन हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि जितने हमारे पुराने मित्र हैं जितनी डिग्निटी है लगभग देश भर के प्रत्येक प्रांत से हमारे कार्यकर्ता मेरे मित्र आए उन सब का आशीर्वाद हम सबको मिला है और आप लोगों ने जो मेहनत की है वो भी बहुत अच्छी मेहनत और सब ने सहयोग किया इतना बड़ा इवेंट जंगल में करना ये बहुत बहुत बड़ी बात और ये साहा ने जो कांति ने जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत कांति को भी धन्यवाद सर मेरे लिए तुमको भी धन्यवाद सबको थैंक यू सर हाँ बहुत शानदार इवेंट रहा मैं आया हूँ माथुर साहब हमारे बड़े भाई हैं ओम माथुर जी और बहुत स्नेह करते हैं मुझे छोटे भाई की तरह तो उनके पोते की शादी इसलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ लोगों से मिल रहा हूँ सबसे मज़ा आ रहा है सब एक एनर्जी मिल रही है लोगों का प्यार मिल रहा है तो स्पेशली राजस्थानी खाना खाया मैंने वो हल्दी की सब्ज़ी खाई गट्टे की सब्ज़ी खाई जो हमें और जगह नहीं मिलती और जहाँ मैं ठहराया बड़ा यहाँ नेचर के करीब हूँ आई एम एंजॉइंग
शाह स्टूडियो की तरफ से ये फोटोग्राफी वगैरह हो रही है, तो अच्छा है, वेरी गुड क्वालिटी। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, मैं अंकितेश भैया का छोटा भाई। हम जब बचपन में जब खेलते थे ना क्रिकेट, जब भी मैं आउट हो जाता था ना, बैट लेके जरूर पीछे भागता था उनके, ज़बरदस्ती मेरे को आउट करते थे वो लोग। बहुत मस्तियाँ करी ऐसी, बाहर गए, नींबू वींबू खूब, अनार, हमारा अनार भी थे, अनार भी खाए, वो सब बहुत मस्तियाँ करी हमने। थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा, आप अंकितेश के वेडिंग में हो, राइट? यस। तो कैसा है कि आपने जो फनी जो चीज़ें आपकी मेमोरेबल मोमेंट है जो आपकी कैप्चर किया आपने जो था, तो उसके बारे में फनी कुछ ऐसा कुछ आपके पास मेमोरी है जो आप शेयर कर सकते हो अंकितेश के बारे में? जी जी। तो मैं कुछ कॉलेज का बताऊंगा, मतलब अंकितेश हमारा क्लासमेट रहा है और हम लोग सब एक ही क्लास में, एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। तो वो हमेशा ऐसा था कि वो हमेशा कहता था कि यार मैं तो यार ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पढ़ने वाला, मैं लव मैरिज वगैरह नहीं करूँगा, और ना मतलब उसको कभी ऐसे लगा नहीं था कि शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, और हम उसको हमेशा चिढ़ाते रहते थे कि नहीं यार ऐसे, और हमें भी लगता था कि नहीं ये ऐसा है कि ये सही में हमसे आखिर में ही शादी करेगा हमेशा। बट जब सब हुआ तब सबसे पहले आई गेस हमारे में हमारे ग्रुप जो क्लोज सर्कल्स में अंकितेश की सबसे पहली ये हो गई है। बट हाँ, खैर बहुत सारी अच्छी मेमोरीज जुड़ी है हमने कॉलेज में साथ में किया है, असाइनमेंट्स हो गई, पढ़ाई हो गई, कॉपी भी हो गई, तो काफ़ी चीज़ें हमने साथ में की, और हमें डेस्टिनेशन वेडिंग पे आने का मौका जो है वो अंकितेश के थ्रू ही मिला है, बिकॉज उदयपुर में वेडिंग इज़ लाइक बहुत एक अलग ही रॉयल चीज़ होती है, एंड अंकितेश के शादी के थ्रू हमें मौका मिला, इट्स रियली गुड। और आपको जो व्यवस्था यहाँ की आपको कैसी लगी, जो व्यवस्था यहाँ की गई आपको? इट्स ट्रूली रॉयल, एंड यू नो मतलब राजस्थान की हर झलक हमें यहाँ देखने मिल रही है, जैसे ये फोर्ट वाला सेटअप हो गया, वहाँ लेक हो गई जो उदयपुर के बारे में बताता है, फोर्ट हो गया जो जयपुर का दिखाता है, यहाँ कैमल भी है जो जैसलमेर की याद दिलाता है, तो हर एक एस्पेक्ट है जो राजस्थान का इंक्लूडेड है, और बहुत ही सुंदर है, इट्स वेरी मैग्निफिसेंट एंड रॉयल। एंड एनी अदर्स मेमोरी हाउ टू शेयर? या नहीं, सो आई थिंक मैं एक चीज, वन स्मॉल इंसिडेंट अबाउट मी एंड अंकितेश दैट वी हैड। हमारे बीच में एक हमेशा कॉम्पिटिशन चला रहता था कि कौन कम पढ़ाई करेगा और ज़्यादा मार्क्स लाएगा, और अंकितेश और मेरे बीच में ऐसा कॉम्पिटिशन चलता है, आजकल का अगर हम टोटल देख लें अपने मार्कशीट का, तो हम दोनों के सेम मार्क्स रहे हैं, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज हम साथ में ही पढ़ते थे और साथ में ही सारे पेपर हमने क्लियर किए हैं। तो दैट इज़ समथिंग दैट द बॉन्ड दैट वी शेयर, हम मस्ती साथ में किए, पेपर साथ में क्लियर किए, पढ़ाई, घूमना फिरना, मुंबई जैसा शहर था तो काफ़ी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की, वो एक अलग ही मनोरंजन हुआ है, एक अलग ही पूरा का पूरा मतलब हमारा क्लोज मतलब एक बॉन्ड रहा है, तो अंकितेश के साथ वो स्पेशल बॉन्ड बिल्कुल मैं शेयर करता हूँ।